ये देखिए, ये देखना ब्लॉग बनना है भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और गाइस, आज हम जाने वाले हैं घूमने, तो आज हम जाने वाले हैं कोटाबाग, जो कि बहुत अच्छी जगह है और घूमने लायक बहुत बढ़िया है। और हमारे साथ में हमारी पलटन पार्टी है, सारे बैंक मैनेजर वगैरह लोग हैं। ये हमारे अरविंद भाई हैं और ये नेगी जी हैं और ये भैया हमारे विक्की भाई हैं। इनकी मुखानी में शॉप है, कपड़ों की शॉप। ये भैया बैंक में ही है और संपर्क करें। ये प्रॉपर्टी डीलर है भाई साहब, तो जानते हैं इनको, तो जानते हो गए, प्रॉपर्टी डीलर है और मुझे तो जानते हो बेसिकली। तो भाई में अरविंद भाई हमें तैराकी के स्किल्स दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आज बहुत मजा आने वाला है गाइस आज की वीडियो में। नेगी जी हमें नई जगह ले जाने वाले हैं, पहले तो मैं कभी गया नहीं हूँ, आज पहली बार ही जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो अपनी जिप्सी में सबसे पहले हम डलाने वाले हैं तेल, जो कि इसमें डीजल पड़ेगा। डीजल पहले पेट्रोल था, हमने डीजल करा दी गाड़ी जान को। सर 81 मॉडल है ये। तो गाइस इस गाड़ी में बहुत ही नया वाला वो लॉक सिस्टम लगा रखा है, देखिए सन 80 का है। तो गाइस ये डेग नए जमाने का नया लॉक है और ये डेग भी आप देख सकते हो, विद रिमोट। ये इसके साथ में रिमोट भी है। बस इनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बट इनको एसी गाड़ी में घूमने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। इसमें खुली एसी है, आपको हर जगह से हवा आती मिलेगी। देखिए गाड़ी का सर्वे हम करेंगे आगे जाके, दिखाएंगे आपको। हमारी जो थार है नई वाली मॉडल की, बट इसकी जो सुई है आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए ये ऐसे हिलती है, कहती 100 भगाओ 150 भगाओ, भागने के लिए तैयार रहती है हमेशा। इंजन सुई इसकी इतनी तेज भागने के लिए तैयार है, मगर गाड़ी इतनी तेज भाग नहीं पा रही है। गाइस बड़ा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ये देखिए हमारे साथ हमारी, ये देखिए, ये देखना ब्लॉग बनना है भाई। यहाँ पे डायनासोर भी मिल जाते कभी कभी। हाँ यहाँ पे डायनासोर वगैरह आपको दिख जाते हैं कभी कभी। और यहाँ बाघ तो आम बात है, बाघ बाघ तो अभी हमें टीरेक्स दिखा था, और अभी हमें क्या क्या दिखा था, टीरेक्स। तो गाइस आप देखिए कितना खूबसूरत जंगल है यहाँ का, ये अमेजोन के जंगल जैसा ही है बिल्कुल। मैंने कहा सर वो बिल्कुल नहीं पा सकते, अभी हमें यहाँ पे दरियाई घोड़ों भी भागते हुए मिला रोड पे। दरियाई घोड़ा क्या क्या मिला आप बताइए? दरियाई घोड़ों भी भागते हुए गया रोड क्रॉस करते हुए मैं सामने से, तो बहुत डर लगा बहुत ज्यादा। विक्की भाई मिले थे, हमारे नेगी जी हैं, सबके नेगी जी हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कालडूंगी, कालडूंगी मार्केट है। गाइस बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और बहुत गर्मी हो रही है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये देखिए गाइस, और बहुत अच्छी है चलने में। तो अभी हम आ गए हैं कोटाबाग के जंगलों में, ये देखिए घूमने जा रहे हैं बहुत सारे लोग। और गाइस फाइनली हम कोटाबाग पहुंच चुके हैं, और कोटाबाग के बाद हम अंदर जा रहे हैं जहां हमें नहाने जाना है घूमने के लिए। और ये हमारा रोड है बिल्कुल, और ये काफ़ी अच्छा रोड है, ऑफ रोडिंग रोड है। देखिए जंगलों भी काफ़ी अच्छा है, जंगलों के बीच में है, और यहाँ पर बाघ वाघ कुछ भी दिख सकता है आपको। बाघ पानी पीने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बाघ पानी पीने तो कम आएगा, खून पीने ज़्यादा आएगा। आप भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, पानी भी है, और आपका पिकनिक बनाने के लिए भी ठीक रहता है यहाँ पे। और ऑफ रोडिंग के फुल मज़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई खतरा है, मतलब ऑफ रोडिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी अमेजोन के जंगल में, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ तो कुछ नहीं है, बट हम ही लोगों की भीड़ है, और हमने अपनी थार यहाँ लगा रखी है, ये देखिए गाइस। और हम जाएंगे आगे को, ये पूरा रास्ता ऑपरेटिंग वाला है। यहाँ जंगल देखिए कितना खूबसूरत है। ये कोटाबाग से अंदर के लिए हम,
ये बच बच के निकलना दादा, यहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं ये तो गाइस, यहाँ कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है हमें क्योंकि गर्मी हो ही रही है अभी। ये देखिए गाइस, यहाँ भाई लोग फुल मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं ऊपर को, और यहाँ कांच वाच भी काफ़ी पड़ा है। ये देखिए भाई लोग बड़ी इंजॉय कर रहे हैं, और भाई लोगों के कपड़े सपड़े बैग वैग यहीं पड़े हैं, और हम आगे जा रहे हैं थोड़ा। हेलो हेलो, ये देख रहे हैं ये। तो दोस्तों देखिए, हम फुल मस्ती में, नेकी जी हमारे, ये देखिए पानी में फुल मजे ले रहे हैं, बहुत चिल्ड पानी आ रहा है। और देखिए यहाँ के झरने, ठंडा पानी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हरा भरा जंगल है, जंगलों के बीच से ही पानी आ रहा है, तो धूप नहीं पड़ रही। यहाँ सूर्य बहुत तेज है, बट यहाँ हरियाली बहुत है, इस चक्कर से यहाँ धूप नहीं पड़ पा रही है। धूप नहीं पड़ रही है तो इस कारण पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि अगर धूप पड़ेगी तो पत्थर गर्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा। इस चक्कर में हम यहाँ पर बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, एक घंटा हो गया, पूरे मज़े कर रहे हैं हम, बट लोगों ने यहाँ थोड़ा गंदा कर रखा है, पीते भी यहीं हैं और तोड़ते भी यहीं हैं कांच को, ये गलत कर रखा है, किसी के पैर में लगेगा। ये देखिए, बट आए घूमने इंजॉय करें, बस गंदा ना करें, क्योंकि गंदगी से हम ही लोगों को दिक्कत है। ये देखिए गाइस, बड़ा सुनसान जंगल है, तो इधर को थोड़ा गर्म टाइप का भी लग रहा है। अभी पानी से हम निकल के आए हैं बाहर को। तो गाइस अभी हमें लगने लग गया ठंडा, और हम निकलने वाले घर के लिए। कैसा लगा तुम्हें नहाने के बाद? तो बाइस बड़ा मजा आया नहाने में, बिल्कुल ठंडा लगने लग गया, तो हमने सोचा अब घर के लिए चलते हैं, और यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है नहाने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। इन वादियों में आके एंजॉय करिए, बिल्कुल एक बार मौका दीजिए अपने आप को आने का, तो बहुत ही मजा है आता है यहाँ नहाने में। और हम लोगों को ठंडा लगने लग गया तभी हम निकले हैं, बिल्कुल फीलिंग आ रही है जैसे कि सर्दियों में नहाते उसके बाद। और यहाँ पर काफ़ी इंजॉयमेंट है क्योंकि ये जंगलों के बीच में है, और धूप भी चली गई है, तो काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है। और अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि ठंडा लगने लग गया है, और ये काफ़ी पानी जंगलों के बीच से आ रहा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे नहाने में। चलिए अब घर के लिए निकलते हैं, और आपको रास्ते में मिलते हैं, अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपको आधे रास्ते में। तो गाइस हम लोग नहा के निकल चुके हैं घर के लिए, और हमने अपने अपने सामान ले लिया, अपना अपना जो भी सामान था। तो हमारे साथ वाले सब भाई लोग एक एक करके बाहर को निकल रहे हैं, और मैं पीछे, सबसे पीछे मैं ही हूँ। ये देखिए यहाँ झरना है, और हम आगे नहा रहे थे झरने से, फिसलन बहुत है गाइस। यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। तो यहाँ नहाने के बाद बहुत मज़ा आया, और ठंडा भी लगने लग गया था क्योंकि हम जंगल के बीच में थे, तो झरना आ रहा है ऊपर से, उसमें अंदर नहा रहे थे, यहाँ तो पानी भी गर्म आ रहा है। और हमारे साथ वाले सब आगे को निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ, थोड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा। तो भाई लोगों, हमारी थार यहाँ खड़ी है, और थार में ये हमारे नेगी जी हैं। तो गाइस हम चल पड़े हैं, और गाड़ी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे गिरने की तदार में चल रहा हूँ मैं। तो गाइस अब हमें डर लगने लग गया है, हम सोच रहे हैं पीछे जाके क्यों ना बैठे। गाइस बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपको, आगे जाके बचेंगे तो यहाँ से। तो गाइस अब हम यहाँ से उतर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आगे बहुत ही ऑफ रोडिंग वाला रोड है, तो हम डर गए हैं। अब वीडियो, आज की वीडियो यहीं एंड करने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस। गाइस यहाँ मंदिर है जय हो बजरंगबली जी की, और बहुत अच्छा मंदिर है गाइस, और झटके कम लग रहे हैं क्योंकि हम हाईवे में आ गए हैं, यहाँ के रास्ते अच्छे हुए। ये देखिए गाइस,